नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 News। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किश्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में द्वितीय श्वेत क्रांति चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को विकास कार्यों की कई सौगात दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसी श्रृंखला के तहत अनेक नई परियोजनाओं को संकल्पित किया है। कोलाबा बांद्रा सिब्स मेट्रो का उद्घाटन, मुंबई मेट्रो लाइन 3 चरण 1 आरे कॉलोनी JVLR से BKC, मुंबई की पहली भूमिगत परियोजना, कफ परेड से सिब्स तक जाने वाली ये कुल 33.5 किलोमीटर लंबी मुंबई की सबसे बड़ी भूमिगत मेट्रो है। हर रोज करीब 17 लाख यात्री इसका लाभ उठा पाएंगे। इस मार्ग के चलते रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तक कनेक्टिविटी मिली है। ये मेट्रो पूर्णतः चालक विहीन एवं सेंट्रलाइज्ड नियंत्रण से चलाई जाएगी। मेट्रो 3 के आरंभ से BKC तक के चरण का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से किया जा रहा है। ठाणे शहर में सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन, 12,200 करोड़ की लागत से बनने वाली ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना, 29 किलोमीटर लंबी इस इंटीग्रल रिंग मेट्रो लाइन में 26 किलोमीटर के एलिवेटेड सेक्शन में 20 स्टेशन होंगे और 3 किलोमीटर के भूमिगत खंड में 2 स्टेशन होंगे। रोजाना लगभग 6 से 9 लाख यात्रियों की सवारी का अनुमान है।
न्यू ठाणे और ठाणे जंक्शन स्टेशन भारतीय रेल और लोकल ट्रेन से जुड़ेंगे, जबकि 3 स्टेशन मुंबई मेट्रो लाइनों से भी जुड़ेंगे, जिससे ठाणे मुंबई यात्रा और भी सरल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना एक नई क्रांति लेकर आएगी। खेड़ा नगर घाटकों पर से आनंद नगर ठाणे तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे का विस्तारीकरण। ये एक्सटेंशन छेड़ा नगर घाटकों पर से आनंद नगर ठाणे तक फैला होगा, जिसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर से भी अधिक है। दोनों दिशाओं में 3-3 लेन का निर्माण किया जाएगा और ठाणे ऐरोली जंक्शन और कांजूर मार्ग जंक्शन पर रैंप्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मुंबई और ठाणे के लिए एक सीमलेस रिंग रूट तैयार करेगा। इससे न केवल मुंबई के पूर्वी उपनगर और नवी मुंबई के निवासियों को सीधा लाभ होगा, बल्कि ठाणे के आगे के इलाकों तक के यात्रियों की भी समय और ईंधन की भारी बचत होगी। ये परियोजना 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार की जा रही है। नैना शहरी नियोजन योजनाओं के तहत बुनियादी ढांचे के कार्यों का शिलान्यास। महाराष्ट्र सरकार द्वारा संकल्पित नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया नैना का उद्देश्य आगामी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र का नियंत्रित विकास करना है। टीपीएस के अंतर्गत 45 मीटर और 60 मीटर चौड़ाई की मुख्य सड़कें, महत्वपूर्ण जंक्शन और नदियों पर 9 फ्लाईओवर और पुलों के साथ नहरों पर छोटे पुलों का समावेश है। वर्तमान परियोजना सबसे बड़ी शहर विकास परियोजनाओं में से एक है। नैना टीपीएस 2 से 7 के पहले विकास पैकेज की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों द्वारा रखी जा रही है। ठाणे नगर निगम की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन। टीएमसी का विस्तृत क्षेत्र एवं सेवाओं में विस्तार देखते हुए टीएमसी अपने नए मुख्यालय की नींव रखने जा रही है। एक किले के स्वरूप इस वास्तु की रचना होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का केंद्र बिंदु एक विशाल 32 मंजिला इमारत होगी, जो इतिहास का महत्व और आधुनिक कार्यक्षमता दोनों का संगम दर्शाती है। मुख्य टावर के अलावा एक 5 मंजिला हॉल भी होगा। इस परियोजना की नींव युग पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा रही है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों का गौरव। भारत को विकसित देश बनाने के लिए जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जरूरी है, उतना ही जरूरी है महिलाओं का सशक्तिकरण। भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति समझते हैं और भारत के महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठा चुके हैं। इसी राष्ट्र कार्य से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार जी की अगुवाई में कार्यशील महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपयों की यानी साल भर में 18,000 रुपयों की आर्थिक सहायता महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जाती है। इन 1500 रुपयों के मायने इन बहनों के चेहरों पर लहराती खुशी से आंके जा सकते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र के सबसे सफल योजनाओं में शामिल है। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर इन लाभार्थी महिलाओं का सम्मान किया जाना यह भी एक सुंदर संयोग है। इन सारी परियोजनाओं का मुख्य हेतु भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घोषित एक वचन है, सबका साथ सबका विकास। हमारे किसान भाई बहन देश के अन्नदाता हैं। उनकी समृद्धि और सर्वांगीण उन्नति सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन सरकार दिन रात प्रयास कर रही है। पीएम कुसुम योजना केंद्र सरकार की ऐसी ही एक योजना है, जहां सोलर ऊर्जा से जोड़कर हमारे अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने का अभियान शुरू हुआ। इससे डीजल पर निर्भरता घटी और सिंचाई के लिए दिन में किसानों को बिजली मिलना सुलभ हुआ। प्रधानमंत्री जी के ग्रीन और क्लीन डेवलपमेंट के विजन और नेट जीरो के संकल्प के तहत वर्ष 2030 तक 50% बिजली हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हासिल करने का लक्ष्य है। यह योजना इस संकल्प को भी मजबूती दे रही है। महाराष्ट्र में पीएम कुसुम को मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के साथ मिलकर MSKVY 2.0 प्रकल्प 2023 में शुरू किया गया और देश में पहली बार महाराष्ट्र के किसानों के लिए स्वतंत्र बिजली कंपनी की स्थापना की गई। योजना के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल तथा अन्य डिजिटाइज डेटा इंटीग्रेशन के जरिए पारदर्शी तरीके से केवल 3 महीनों में 40,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। अब तक 9,200 मेगावाट के प्रकल्पों का काम शुरू हो चुका है, साथ ही 4,800 मेगावाट के नए कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। इन प्रकल्पों के लिए भारत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। विजनरी नेतृत्व से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे आते हैं, यह योजना उसकी मिसाल है। इस योजना के कारण बिजली की दर करीब 60% कम हो जाएगी
और 8.50 रुपए प्रति यूनिट के बदले केवल 3.08 रुपए प्रति यूनिट की दर पर उपलब्ध होगी। इससे बिजली खरीदने में 10,000 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। बिजली की सहज उपलब्धता के अलावा महाराष्ट्र के किसानों को सौर ऊर्जा के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर 25,00,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की आमदनी भी होगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 50,000 नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व की इस सबसे बड़ी विकेंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना के तहत 411 ग्राम पंचायतों को ग्राम विकास निधि का वितरण तथा प्रथम 5 प्रकल्पों का लोकार्पण किया जा रहा है। बीज, सिंचाई, बीमा से लेकर बाजार तक और साथ ही सोलर तक, किसानों के हितों के लिए सरकार ऐसी ही समर्पित प्रयास करती रहेगी।